दोस्तों, ये है ASUS Vivo Book X509F। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है और बॉक्स में आपको ये लैपटॉप मिलता है, 15 इंच का लैपटॉप है। साथ में यूज़र मैनुअल वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है और इसके अलावा आपको एक पावर कॉर्ड भी मिलता है। और देख सकते हैं कि जो अडैप्टर है उसका साइज़ काफ़ी छोटा है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। ये वीवो बुक स्टाइलिश भी है और अफोर्डेबल भी है। इसका वजन है तकरीबन 1.9 kgs। और अगर आप इसे X507 से कंपेयर करेंगे तो X509 जो है ये 13% स्मॉलर है, छोटा है। 15.6 inches का स्क्रीन है, नैनो एच डिस्प्ले बेजल्स के साथ में आता है और फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में। वैसे तो ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है लेकिन नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए काफ़ी है। अगर आप चाहें तो NVIDIA MX230 GPU के साथ में जा सकते हैं। वैसे इसमें इंटीग्रेटेड इंटेल HD 620 GPU है। कीबोर्ड के कीज़ का साइज़ काफ़ी बढ़िया है, स्पेसिंग भी काफ़ी बढ़िया है और न्यूमेरिक पैड अलग से दिया हुआ है। इस लैपटॉप से आप कंफर्टेबली टाइप कर पाएंगे और वैसे भी ये ऑफिस यूज़ के लिए बनाया हुआ है। अगर आप ट्रैक पैड पर ध्यान दें तो साइज़ काफ़ी बड़ा है और ये जेस्चर्स सपोर्ट करता है। देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है ट्रैक पैड के ही एरिया में। नीचे से ये इस प्रकार का दिखता है। इसमें दो स्टीरियो स्पीकर्स हैं और उसे इस प्रकार से प्लेस किया हुआ है लैपटॉप के ही नीचे जो कर्व एरिया है वहाँ पर। पोर्ट्स की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड पर दो USB पोर्ट्स है, कॉम्बो ऑडियो जैक है, microSD स्लॉट है और नोटिफिकेशन लाइट्स है। लेफ्ट हैंड साइड पर पावर इन स्लॉट है, USB टाइप सी पोर्ट है, कूलिंग वेंट है, HDMI पोर्ट है और USB पोर्ट है। इसमें 2-cell बैटरी है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 49 मिनट्स में तकरीबन 60% तक फुली चार्ज हो जाता है। लिड पर कैमरा भी दिया हुआ है। रैम की अगर बात करें तो मैक्सिमम 12 GB तक सपोर्ट करता है और स्टोरेज की अगर बात करें तो डुअल ड्राइव्स सपोर्ट करता है, एक HDD मैक्सिमम 1 TB और 512 GB PCIe SSD। तो ये है ASUS Vivo Book X509 और प्राइसिंग की अगर बात करें तो कीमत शुरू होती है 30,990 रुपये से, जिसमें इंटेल कोर i3 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है और जो दूसरा वेरिएंट है उसमें इंटेल कोर i5 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है 8th जनरेशन, जिसकी कीमत है 42,990 रुपीज़। और जो तीसरा वेरिएंट है उसमें इंटेल कोर i7 8th जनरेशन प्रोसेसर का उपयोग किया गया है और उसकी कीमत है तकरीबन 60,000 रुपीज़ के आसपास। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।